गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? अच्छे से होंगे तो यहाँ पर आज नई रेसिपी लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये रेसिपी बहुत जल्दी बनता है, बहुत आसान है बनाना और ये बहुत टेस्टी भी लगता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम फूलगोभी लिए हैं और फूलगोभी को अच्छी तरह से इसे काट लेंगे, धो लेंगे और अच्छे से देख सके इसे कट करना है, और ना ही बड़ा करना है ना ही ज़्यादा छोटा करना है। तो यहाँ पर देखिए फूलगोभी को काट के प्लेट में रख लिए हैं, और यहाँ पर ब्रोकली लिए हैं, ब्रोकली को भी इस तरीके से पीस पीस करके काट ले लिए हैं, और इसका लंबा वाला जो डंठल होता है वो सारा हम निकाल दिए हैं, और फूलगोभी का भी डंठल निकाल दिए हैं, सिर्फ यही सब लेना है और इसे पतला पतला काट लेना है, ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज नहीं है, प्याज को भी लंबा लंबा करके इसको काट लेना है। तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जी रहते हैं जो घर में, वो सारे सब्जी हम यहाँ पर काट लेते हैं। तो यहाँ पर गाजर भी लिए, जी गाजर को पहले छील लिए, उसके बाद इसे लंबे लंबे पीस करके हम काट रहे हैं। तो अभी का टाइम में सारा सब्जी आपको बाज़ार में मिल जाएंगे और सभी सब्जी घर में रहते हैं, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है, और ये कभी भी बना सकते हैं, सुबह शाम कभी भी बना सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब भी कोई सब्जी उब्जी नहीं बनाने का मन होना तो इस तरीके से बनाइएगा, तो आपको ना दाल बनाने का ज़रूरत पड़ेगा और ना ही सब्जी बनाने का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप इस तरीके से सारा चीज़ एक ही साथ बना लीजिएगा और बहुत टेस्टी भी बनता है और जल्दी से बन जाएगा। तो जब भी जल्दीबाजी में हो तो इस तरीके से सारे सब्जी काट के और फटाफट आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मटर छील रहे, मटर भी थोड़ा सा ले लिए आधा कटोरी भर। तो यहाँ पर देखिए हरे मटर तो अभी मार्केट में सभी जगह मिल जा रहे हैं, तो आप मटर भी ले लीजिए। यहाँ पर देखिए मटर को छील लिए हैं, जब तक मटर छिलाता तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मेरे चैनल पर नए नए रेसिपी डेली आते हैं, इसलिए आपको अगर रेसिपी पसंद हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँच जाए, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला रेसिपी क्या बनाएं हम। तो यहाँ पर देखिए मटर को छील लिए हैं और एक कटोरी मखाना लिए हैं और थोड़ा सा सोयाबीन लिए, सोयाबीन को पहले से भिगो कर रख दिए थे। तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जी तैयार हो गया है काट के। तो यहाँ पर कढ़ाई लिए, कढ़ाई में घी या रिफाइंड आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम रिफाइंड डाल दिए हैं। अब यहाँ पर जीरा और खड़ा मसाला और तेज़पत्ता का ऐसा है इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर सारे चीज़ डाल दिए हैं, उसके बाद डालेंगे प्याज, हल्का सा ब्राउन भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज भून जाएगा। उसके बाद जितने भी सारे सब्जी लिए हैं धीरे धीरे करके सारे सब्जी इसमें डालेंगे और भूंज लेंगे। ये रेसिपी बहुत जल्दी बनता है, अगर सारा सब्जी रहेगा पर जैसे कि आपको दाल सब्जी बनाने का मन नहीं हो तो इस तरीके से आप बनाइएगा, तो सारा सब्जी का टेस्ट भी आ जाएगा और पौष्टिक आहार भी तैयार हो जाएगा। तो अगर मान लिया जाए आपको सब्जी दाल बनाने का मन नहीं है तो आप इस तरीके से बनाइए, और अगर मेहमान घर में आए तो इस तरीके से बना के खिलाइए, बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा और जल्दी बन भी जाता है। कहीं जाना हो तो फटाफट इस तरीके से आप बना के खा सकते हैं, खिला सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा सब्जी हम डाल के भूंज लिए हैं, मटर डाल दिए हैं, मटर डाल कर इसको भी अच्छी तरह से भूंज लेना है। यहाँ पर इसमें ज़्यादा हम मसाला कुछ नहीं डाले हैं, नमक डाले हैं, हल्दी पाउडर और हल्का सा गोलकी पाउडर डाल के इसे भूंज लेना है। तो यहाँ पर देखिए सोयाबीन जो लिए हैं उसका पानी निकाल दिए हैं और निकाल के इसमें डाल दिए हैं, और यहाँ पर एक कटोरा मखाना लिए हैं, मखाना को भी इसमें डाल के सभी चीज़ को एक साथ भूंज रहे हैं, और नमक और हल्दी डाल के भूंज दे रहे हैं ताकि सब में चला जाए नमक, नमक स्वाद अनुसार लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्दी भी डाल दिए हैं। इस तरीके से सारे सब्जी को हम तैयार करके रख रहे हैं, तो अभी इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पर देखिए एक गिलास चावल लिए, आप चाहे जितना भी चावल ले सकते हो। यहाँ पर देखिए एक गिलास चावल लिए, इसको पहले से धो के रख लिए थे, तो इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से हम भूंज लेते हैं। जब चावल का हल्का सा आवाज़ आने लगे तो समझिएगा कि चावल भुंजा गया है। तो यहाँ पर देखिए सारे चीज़ को हम भूंज रहे हैं, और आप एक गिलास अगर चावल लिए हैं तो इसमें आपको दो गिलास पानी डालना होगा अगर कढ़ाई में बनाएंगे तो, और वही चीज़ अगर आप कुकर में बनाएंगे तो जितना आपके पास गिला चावल है उतना ही आप पानी ले सकते हैं। जैसे एक गिलास चावल है तो एक गिलास कुकर में अगर बना रहे तो एक गिलास चावल है तो एक गिलास पानी डालिएगा और एक सीटी में हो जाता है, लेकिन हम अभी यहाँ पर कढ़ाई में ही बना लेंगे तो इसलिए एक गिलास चावल में हम दो गिलास पानी डालेंगे और डाल के इसी में हम ढक के पका ले रहे हैं।
आप चाहे तो कुकर में बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए बटर डाल दिए हैं, बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डाल के इसको अच्छी तरह से एक दो बार मिला लेते हैं ताकि सारा में चला जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम बना लिया। बच्चों को भी खिलाइएगा तो सब्जी दाल का ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से पौष्टिक आहार बना के खिलाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए। तो ये देखिए कैसा आपको दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।